हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम ऑन माय चैनल। आज मैं आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ आईसीटी की टॉपिक, जो कि जो जिस नेट पेपर वन का एक फेमस टॉपिक है, जिसमें से हमें बहुत से क्वेश्चन आता है। उसमें से एक क्वेश्चन हमें मेमोरीज पर आता है, जो प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी पर बेस्ड होता है। रैम रोम का मैंने करवा दिया, अगर आपने नहीं देखा तो मेरी पिछली वीडियो में जाकर देखिए। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी, ये क्या होती है, इनका मेजर डिफरेंस क्या होता है। प्राइमरी मेमोरी को हम वॉलेटाइल और टेम्परेरी मेमोरी भी कहते हैं। सेकेंडरी मेमोरी हमारी परमानेंटली और नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है। अभी हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये क्या होते हैं विद अ चार्ट। चलिए हम डिस्कस करते हैं हमारी मेमोरीज की टाइप्स के बारे में। हमारी दो टाइप्स की मेमोरी है, प्राइमरी एक होती है, सेकेंडरी। प्राइमरी कौन सी होती है, जिसमें आती है रैम एंड रोम। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रोम रीड ओनली मेमोरी। रैम जो हमारी होती है ये प्राइमरी मेमोरी में आती है, रोम भी प्राइमरी मेमोरी की एक टाइप्स होती हैं। अभी हम बात करेंगे सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी वो होती है जो हम बाहर से कुछ यूज़ करते हैं, जैसे कि हम मेमोरी कार्ड्स को यूज़ करते हैं, हार्ड डिस्क ड्राइव्स को यूज़ करते हैं, डीवीडी को यूज़ करते हैं। इसमें आते हैं ट्रू रैंडम एक्सेस, प्सीडो रैंडम एक्सेस एंड सिक्वेंशियल रैंडम एक्सेस, ये भी इसमें इन्वॉल्व हैं। जो हमारी डीवीडी होती हैं, हार्ड डिस्क ड्राइव होती हैं, वो इन ट्रू रैंडम एक्सेस में आती हैं। ऐसे ऐसे डिफरेंट पार्ट्स के, इसके थ्री पार्ट्स में अलग अलग सेकेंडरी मेमोरी के डिवाइसेस हैं, वो आते हैं। आगे मैं आपको बताने जा रही हूँ कि प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, इसको डिटेल में। प्राइमरी मेमोरी जो होती है वो फास्ट डाटा एक्सेस करती है, डाटा को फास्टली एक्सेस करती है। ये यूज्ड होती है फॉर प्रोसेसिंग डाटा इन स्मॉल साइज़ को, डाटा को प्रोसेस करने के लिए यूज़ होती है। इसे हम मेन मेमोरी भी कहते हैं, जो कि हमारे पीसी में पहले से होती है। ये एक्सपेंसिव होती है सेकेंडरी मेमोरी से। अभी हम बात करेंगे सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी को हम सीडी डीवीडी मेमोरी कार्ड्स कहते हैं, जैसे कि ये परमानेंट होती है, नॉन वॉलेटाइल होती है। ये उसके ऑपोजिट होती है प्राइमरी मेमोरी की, जो लॉन्ग टाइम स्टोरेज होती है इसकी, थोड़े समय कुछ समय के लिए नहीं होती। ये चीपर होती है, सस्ती होती है प्राइमरी मेमोरी से। ये लॉन्ग स्टोरेज लार्ज डाटा को स्टोर करती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।